ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर शक्तिपीठ माता बर्जेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर कुलदीप राठौर ने माथा टेका व मंदिर में इतिहास के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की हार तो हुई है, लेकिन ये पूरा चुनाव भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रहा। उन्होंने कहा, ये पहला चुनाव था जिसमें देश के गृह मंत्री गली गली में वोट के लिए पर्चे बांट रहे थे, लेकिन दिल्ली में जो जनता ने भाजपा को नकारा है, इससे ये साबित हो गया है कि इनके खिलाफ जनता में कितना रोष है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर शक्तिपीठ माता बर्जेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर कुलदीप राठौर ने माथा टेका व मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की हार तो हुई है, लेकिन ये पूरा चुनाव भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा, ये पहला चुनाव था जिसमें देश के गृह मंत्री गली गली में वोट के लिए पर्चे बांट रहे थे, लेकिन दिल्ली में जो जनता ने भाजपा को नकारा है, इससे ये साबित हो गया है कि इनके खिलाफ जनता में कितना रोष है। राठौर ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तार में क्या हो रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द ही पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा कर जो भी जनता के हक में होगा, उस पर कांग्रेस जरूर इनके हक में उतरेगी। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विस्तार पर सभी दलों को एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए, जिससे उचित रास्ता निकाला जा सके। मेरी जानकारी में नहीं, आपने बताया क्या, किस बारे में हो रहा है? मैं बात करूंगा अपने लोगों से, जो भी पार्टी का स्टैंड होगा वही स्टैंड होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मसले को जो है आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आपस में बैठ के जो भी एक आम राय बने, उस राय को जो है लेके सबको चलना चाहिए। दिल्ली चुनाव में जो चुनाव थे वो इस बार अलग तरह के चुनाव थे। दिल्ली में जो दिल्ली वासी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे, क्योंकि जो केंद्र सरकार की नीतियाँ थी उन नीतियों के विरोध में लोगों ने वोट डाला, और किस ढंग से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार रहा, पूरे के पूरे इनके जो सांसद हैं, जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, तमाम मुख्यमंत्री और धन बल का इन्होंने पूरा प्रयोग किया। गृह मंत्री अमित शाह खुद जाके जो है गली गली में जाके पर्चे बांटते नजर आए, और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की इन्होंने कोशिश की, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की, तो दिल्ली की जनता ने जो है उसका जवाब दिया, और इसकी भारतीय जनता पार्टी की वहाँ और बुरी तरह हार हुई। और हालांकि कांग्रेस पार्टी चुनाव में हारी है, इस बात को हमको दुख है। अभी लगता है कि जो पार्टी आला कमान है उसके में शीघ्र ही मंथन करने वाली है। अभी जो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ उन्होंने त्याग पत्र दिया, जो प्रभारी है उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया, तो बहुत शीघ्र ही भारतीय वहाँ कांग्रेस में अभी चर्चा चल रही थी, मुझे मालूम नहीं कि नियुक्ति हो रही है, तो शीघ्र ही नया अध्यक्ष बनाया जाए। तो कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत होके फिर आने वाले समय में उभरेगी, ऐसी हमारी आशा है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर से हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।